Hello everybody. Let me welcome you all to my study channel PSRM Study. We have started one word substitution series, and so far we have covered two videos. Okay, in first videos we have discussed words related with various forms of study, and in our second video we had started started to deal with those words which are related with various expertise, skills, hobbies, attitude. Professions okay, so in today's class, we will keep on with those words, we will get some more words those are related with our skills and hobbies. So, let's start with the word introvert. The first word for today is introvert, and the word introvert is the word introvert is formed of the two roots intro and verto. See, intro means inside. इंट्रो जहाँ पे भी आ जाए हमें समझना है कि इन साइड को सेंस कर रहा है और जहाँ पे वर्ड टो या वर्ड वर्ड आ जाए तो वर्ड रूट से हम लोग समझते हैं टर्न तो इंट्रो वर्ड को हम लोग इटालॉजिकली ऐसे देख सकते हैं कि जो आदमी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो दैट मीन्स अ पर्सन हु इज शाई अ पर्सन हु फील्स हेजिटेशन डीलिंग विद अदर पीपल एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा शर्मीला हो नए लोगों से मिलने में शर्माता हो घबराता हो जो अपने में ही खोया रहता है उसको हम लोग इंट्रोबर्ट कहते हैं सो वी कैन से परसन हु टर्नस हिज थॉट्स इन वर्ड्स इज एन इंट्रोबर्ट पर्सन और एन इंट्रोबर्ट इज अ पर्सन हु टर्न्स हीज था टर्नस हीज थाट्स इन वर्ड्स अ वेरी साइ पर्सन अ पर्सन हु इज नॉट कम्फर्टेबल विद मीटिंग न्यू पीपल पर्सन हु इज़ अनकम्फर्टेबल विद गेटिंग कंपनी ऑफ अदर पीपल इज नोन एज इंटरेवर्ट इंटरेवर्ट के लिए हम लोग साई वर्ड यूज करते हैं कॉमनली जो शर्मीला आदमी होता है जो नए लोगों से मिलने में घबराता है जो अपने में ही ज़्यादातर तो खोया रहता है वैसे आदमी को हम लोग कहते हैं इंटरेवर्ट ओके okay? और एग्जैक्ट इंट्रोवर्ट के अपोजिट वर्ड को हम लोग एंटोनिम्स को देखते हैं तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जिसकी थॉट्स अंदर की तरफ होते हैं एक्स्ट्रोवर्ट जो बाहर की तरफ होते हैं सो एक्स्ट्रोवर्ट इज एन एक्स्ट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु इज इजी गोइंग आउट गोइंग पर्सन हु इज कम्फर्टेबल विद मीटिंग न्यू पीपल हुई इज कम्फर्टेबल इन डीलिंग विद न्यू पीपल ओके सो अ पर्सन सो एन एक्स्ट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु टर्न्स हिज थॉट्स आउटवर्ड ओके जब किसी की थॉट्स इनवर्ड हो इंट्रोवर्ट आउटवर्ड हो एक्स्ट्रोवर्ट एक्स वर्ड जहाँ पर लग जाएगा इसका मतलब हम लोग आउट समझेंगे ठीक है इन इनसाइड एक्स आउटसाइड ओके okay, ये रूट हम लोग समझते चलते हैं जब हमें रूट की समझ होती है तो हम वर्ड के मीनिंग को आसानी से कैच कर सकते हैं सो इंट्रोबर्ट असाई पर्सन एक्स्ट्रोबर्ट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट वेरी फ्रेंडली पर्सन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो डिपेंड करते हैं उनके कंपनी या मूड पे कभी वो इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं कभी वो एक्स्ट्रोबर्ट भी हो सकते हैं तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टर्म एम वर्ड सो एंड एम बी बर्ड इज अ प परसन हु इज़ बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एट टाइम्स एम बी वर्ड एक ऐसा आदमी है जो उसके थॉट्स जो हैं वो कभी इंट्रोवर्ड भी हो सकते हैं कभी एक्स्ट्रोवर्ड भी हो सकते हैं एम बी वर्ड यूज हम लोग करते हैं जहाँ पर एम बी रूट हो तो वहाँ पर हम लोग सेंस करते हैं बोथ दोनों दोनों के लिए हम लोग एम बी वर्ड यूज़ करते हैं जैसे हम लोगों ने पीछे एक वर्ड देखा था एम बी डेक्सट्रेस एम बी डेक्सट्रेस इज अ प परसन हु इज स्किलफुल इन यूजिंग हीज बोथ हैंड्स पर्सन हु कैन यूज हीज बोथ हैंड्स इक्वली उसको हम लोग कहते हैं एम बी डेक्स्ट्रेस ये वर्ड हम लोगों के पिछले क्लास में था तो उसी एम बी रूट को हम लोग यहाँ समझ सकते हैं एक ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी हो एक्स्ट्रोवर्ट भी हो जो शर्मिला भी हो जो कॉन्फिडेंट भी हो जो नए लोगों से मिलने में कभी कभी शर्माता भी हो कभी कभी वो बहुत कम्फर्टेबल होता है नए लोगों से मिलने में तो ऐसे पर्सन को कहते हैं हम लोग एम बी वर्ड ओके वर्ट मतलब टर्न एम बी मतलब बोथ तो जो इन साइड भी टर्न हो आउटसाइड भी टर्न हो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे एमबी वर्ड ओके आफ्टर एम बी वर्ड वी हैव अ न्यू वर्ड दैट इज नॉक्टैम्ब्युल नोकटैंब्युल देखिये नॉकटेम्ब्यूलिस्ट वर्ड नॉकच्यून नॉक्च्यून जहां पे आएगा मतलब नाइट ओके okay? और एम्ब्यूलिस्ट वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि जो वॉक करने वाले होते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था फ्यूने फ्यूनेब्यूलिस्ट फ्यूनेम्ब्युलट वर्ड सीखा था हम लोगों ने अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप जो रस्सी पे चलने वाले होते हैं ना उनके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया होता फ्यूनेम्बुलिस्ट तो एम्बुलिस्ट को हम लोग सेंस कर सकते हैं कि ये चलने वाले हैं और नॉक्च्यून वर्ड लगा है दैट मीन्स नाइट तो ऐसे लोग जो नाइट में चलते हैं आई मीन या फिर ऐसे लोग जो नींद में चलते हैं जिनको नींद में चलने की बीमारी हो उसको हम लोग कहेंगे नोक्टैम्ब्यूलिस्ट ओके सो वन हु वर्क्स वन हु वॉक्स एट नाइट वन हु वॉक्स एट नाइट ऐसे आदमी जो रात को चलते हैं दोज आर नॉन एज नोकटैंब्यूलिस्ट नोकटैंबुलिस्ट इज अ पर्सन हु वॉक्स इन वॉक्स एट नाइट जो जो रात में चलते हैं जिनको रात में चलने की बीमारी होती है उन्हें हम लोग कहते हैं नोकटैंब्यूलिस्ट ओके नोकटेम्बुलस्ट के बाद हम लोग ऐसा पर्सन जो नाइट में चलते हैं अ पर्सन हु वॉक्स इन नाइट इज नॉन एज नोकटेम्ब्युल नोकटामस नाइट एम्बुलिस्ट मीन्स वॉक करने वाला वॉकर जो चलने वाला हो एक और वर्ड हम लोग सीखते हैं हम लोग इसको ईजिली सेंस कर सकते हैं सोमनाब्यूलिस्ट जहाँ पे भी सोमनिया वर्ड आ जाए ठीक है ना वहाँ पे हमें सेंस करना है नींद और स्लीप तो सोमनाब्यूलिस्ट सोमना स्लीप सोमनिया स्लीप और एम्ब्यूलिस्ट हम लोग सेंस कर सकते हैं वॉक करने वाला तो हम लोग इजिली इस वर्ड का मीनिंग ट्रेस कर सकते हैं अ सोमना सोमनाब्यूलिस्ट इज अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप ऐसा आदमी जो नींद में चलता है या जिसको नींद में चलने की बीमारी हो उसको हम लोग बोलते हैं सोमनेबुलिस्ट इज अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप नोक्टेब्यूलिस्ट इज अ पर्सन हु वॉक्स एट नाइट ओके सो आफ्टर नुल एंड सोमुलट वी हैव अ न्यू वर्ड इज दैट इज यूज फॉर अ पर्सन और दैट इज यूज फॉर दोज हु आर प्रजेंट एवरी और द फ्रेज इज वन हुई इज प्रजेंट ऑल ओवर वन हुइ इज प्रजेंट एवरी इज नोन एज ऑमनी प्रजेंट ऑमनी रूटवर्ड है जिसका मतलब ऑल होता है ठीक है ऑमनी प्रजेंट इज अ पर्सन हुई इज प्रजेंट हु इज प्रजेंट ऑल हुई इज प्रजेंट एवरी एक ऐसा आदमी जो हर जगह एक ऐसा आदमी जो हर जगह उपस्थित हो हर जगह मौजूद हो उसको हम लोग कह सकते हैं ऑमनी प्रजेंट जनरली ये टर्म हम लोग ना ओ से तीन टर्म यूज करते हैं वो जनरली हम लोग गॉड के लिए करते हैं ओमनी प्रजेंट ऑमनी प्रजेंट ऑमनी इंपॉर्टेंट एंड ऑमनीसेंट ये तीन वर्ड हैं ठीक है ना ऑमनी प्रजेंट दैट मीन्स वन हु प्रजेंट्स एवरीवेयर जो हर जगह मौजूद है उसको हम क्या कह सकते हैं ऑमनी प्रजेंट जो हर चीज़ को करने हर काम को करने में कैपेबल हो ऑमनी पॉटेंट ऑमन इंपॉर्टेंट इज अ पर्सन और वन हु इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरी थिंग जो हर काम को करने में पॉसिबल हो वो जो हर काम को करने में सक्षम हो कैपेबल हो उसको हम लोग कहते हैं ओमनी ओके ओमनी के बाद एक नया वर्ड हम लोग देखते हैं वन हु इज ऑल नोइंग वन हु नोज एवरी जिसे सब कुछ पता हो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओमनीसेंट ओमनीसेंट साइंट मतलब नॉलेज ओमनी मीन्स ऑल सो ऑमनीसाइंट वन हु नोज everything और हु इज ऑल नोइंग जिन्हें सब कुछ पता हो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञाता या सर्वज्ञ वर्ड यूज करते हैं ओमनी प्रजेंट सर्वव्यापी के लिए यूज करते हैं जो हर जगह व्याप्त हो मौजूद हो ऑमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान जो सब कुछ कर सकते हैं जिनके पास सब कुछ करने की शक्ति हो तो ये सर्वव्यापी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ये शब्द हम लोग यूज करते हैं भगवान के लिए इंग्लिश में वही तीन वर्ड होंगे ओमनी प्रजेंट ऑमनीपोर्टेंट एंड ओमनीसेंट ये तीन वर्ड आप ना बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा जनरली ये तीन वर्ड गॉड के लिए यूज किए जाते हैं ओके सो आफ्टर ऑमनी प्रजेंट ऑमनीपोर्टेंट एंड ऑमनीसेंट वी हैव अ न्यू वर्ड एंड दिस वर्ड इज रिलेटेड विद स्किन डॉक्टर और अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेज जिसको हम लोग चर्म रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं या चमड़ों का डॉक्टर स्किन के डॉक्टर कह सकते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड बना है डर्मिस से डर्मिस वर्ड जहाँ पे भी आएगा मतलब स्किन ओके सो डर्मेटोलॉजिस्ट अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेज स्किन के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट उसके बाद एक और वर्ड हम लोग देखते हैं ऑफ्थेमोलॉजिस्ट ऑफ्थेमोलॉजिस्ट आँख के डॉक्टर होते हैं सो अ डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीजेज इज़ नोन एज ऑफ्थेमोलॉजिस्ट ऑफ्थेमोलॉजिस्ट आई डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डॉक्टर आफ्टर ऑफ्थेमोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट वी हैव अ न्यू वर्ड ऑर्थोपेडिशियन वर्ड यूज किया जाता है बोन के लिए तो जहाँ पे भी ऑर्थो वर्ड यूज हो हमें सेंस करना है हड्डी या बोन सो द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम इज नॉन एज ऑर्थोपेडिशियन और एन ऑर्थोपेडिशियन इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स बोन डिजीजे आफ्टर ऑर्थोपेडिशियन वी हैवे न्यू वर्ड ऑफस्टेट्रिशियन ओके सो द न्यू वर्ड इज ऑफ्सटेट्रिशियन ऑफ्सट्रिशियन इज अ डॉक्टर हो अटेंड्स चाइल्ड डिलीवरी बच्चों की जो डिलीवरी होती है उनके जो डॉक्टर होते हैं दे आर नॉन एज ऑफस्टेट्रिशियन ओके okay? ऑप्स्टेट्रिशियन के बाद एक नया वर्ड हम लोग और देखते हैं जाइनकोलॉजिस्ट जाइनाकोलॉजिस्ट वर्ड बना है जैन और लॉजिस्ट से लॉजिस्ट मतलब हम लोगों ने समझा है एक्सपर्ट ठीक है जैन वर्ड यूज करते हैं हम लोग फीमेल के लिए सो so, जैनकोलॉजिस्ट आप इजीली इसको समझ सकते हैं जाइनाकोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स वुमेन प्रॉब्लम हु ट्रीट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और द डॉक्टर्स हु ट्रीट्स फीमेल डिजीजेज आर नॉन एज जेनोकोलॉजिस्ट जेनोकोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स फीमेल डिजीजेज एंड द लास्ट वर्ड फॉर टूडे इज कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियो मीन्स हार्ट जहाँ पे भी कार्डियो वर्ड यूज हो गया है उसका मतलब हमें हार्ट समझना है हम लोग इजीली इसको सेंस कर सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम्स और द डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम इज़ नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट सो so, आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारे वर्ड सीखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी वर्ड्स हम लोगों ने आज सीखे हैं स्किल के लिए हॉबीज़ के लिए या एक्सपर्टिनेस के लिए ये सारे वर्ड हम अब अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो और ये वर्ड्स पसंद आए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे थैंक यू